जैसा कि आप देख सकते हैं कि पत्रकार पोहा वाला ये फोटो आप जो देख रहे हैं, नहीं मैं आपसे कुछ पास आउट हूँ भाई, ठीक है बड़े, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पत्रकार पोहा वाला जो इस फोटो वायरल हुआ था, तो इसमें देख सकते हैं ये पोहा है और एक जलेबी है साथ में और मिर्ची दे रहे हैं, तो काफी शानदार है। हम इसको खा करके भी टेस्ट बताएंगे आपको कि थोड़े से कैची लगे नाम, और जाहिर सी बात है टीआरपी का जमाना है, इन्होंने नाम से टीआरपी बटोरा। मैं पहली बार आई हूँ अभी खाने को। रिपोर्टर स्पेशल पोहा 50 रुपए का है और उसमें सोशल मीडिया स्टार स्पेशल पोहा 60 रुपए का है। जो आप देख रहे थे ये वीडियो, ये फोटो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ था और आज हम यहाँ पे हैं, तो इनसे जानेंगे कि ये क्यों पत्रकार पोहा वाला इन्होंने लिखा है और यही भैया इस दुकान का मालिक है, तो पूछेंगे भैया क्यों आपने पत्रकारिता किया था क्या? एक साल का डिप्लोमा किया है। अच्छा। से मैंने एक साल जो पीजी डिप्लोमा होता है वो मैंने किया हुआ है। अच्छा, आपने ट्राई किया था कहीं जॉब के लिए किसी चैनल में? देखो हाँ। पत्रकारिता करने के बाद ना 13 साल मैंने की है पत्रकारिता, अपने देश के बड़े संस्थान है ना हाँ। सब जगह मैं काम कर चुका। आपका नाम भैया? मेरा नाम ददन विश्वकर्मा है, ददन इंदौरी लोग बोलते हैं। अच्छा, तो आप ऐसे वर्डों में जो लिखे के शादी और पार्टी के ऑर्डर भी अपन ले लेते हैं? अच्छा, तो कहाँ से आप बेसिकली? जब कोई बोलता है तो अपन ले लेते हैं। अच्छा, फोर्सफुली कोई बोलता है। क्या क्या आपके पास, क्या क्या आप बेचते हैं? तो मेरे पास पोहा होता है, पोहा की जलेबी और साबूदाना खिचड़ी जो मेरे इंदौर की फेमस है। अच्छा, तो आइटम इंदौर के हैं तो ही मैं रखता हूँ। अच्छा, तो इंदौरी ही आइटम फेमस है। ये साबूदाना भी है। तो जब भी आपका फोटो जब वायरल हुआ था आपके दुकान का, तो उसके बाद में क्या भीड़ बढ़ी अपने चैनल क्या ये हाँ, चैनल वाले लोग आए और आप जो देख रहे कि फिल्म सिटी के ही अंदर में अपना दुकान ये लगा कर रखे हैं, तो क्या ऐसा दुकान और भी जगह है क्या आपका? पूरी दुकान नहीं, मेरी तो दुकान है, वो तो यही है, रोजी रोटी का जरिया। अच्छा, वो सिर्फ यही की फोटो वायरल हुई थी। अब जैसा देख सकते हैं कि भैया काफी मेहनत कर रहे हैं और ये जो नाम रखे हैं पत्रकार पोहा वाला, अभी कुछ देर पहले भैया बोले कि मुझे पसंद आया तो मैंने रख दिया, बट अब कैमरे के सामने कुछ है और बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो भी मन है वो बोल सकते हैं। इनके अंदर में जलेबी और पोहा इडली भी ये बेचते हैं और इस तरीके से इनका कुछ दुकान है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है और अच्छा नाम है। और ये पत्रकार पोहा वाला भैया जो नाम फेमस, आपने जो सोचा वो कहाँ से सोचा? अपन पत्रकार रहे हैं ना, हाँ, अच्छा रहे हैं, तो पता है ना कि कीवर्ड क्या होता है, टैग क्या होता है, कैसी चीजें वायरल। अच्छा, इस पे पत्रकार की प्रतिक्रिया क्या थी जब अगर उन्होंने देखा होगा कि लोग बोले बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए सब लोगों ने बोला कि यार हर कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, ठीक है ना, एक पत्रकार सोचता है कि यार मैं ठेला लगा लूंगा या मैं कुछ खेलूंगा तो फिर कैसे होगा। अच्छा, मैं नहीं कहता कि सब लोग खोल लो। अच्छा, अगर किसी को लगता है कि इसके हाथ में अंदर बढ़िया है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर जो पत्रकारिता कर रहा है तो उनको ही बोलूंगा पत्रकार आगे चल के इस दुकान को कंटिन्यू रखना है आपको। कंटिन्यू रखेंगे भाई। अच्छा, हाँ बस यही है, रोजी रोटी का जरिया है तो कंटिन्यू ही रहेगी। अच्छा, मैम आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे, क्या पूछ सकते हैं आपसे? जैसा कि आप तो एंकर है, साफ दिखने में लग ही रहा है, तो ये बताइए मैम, ये पत्रकार पोहा वाला जो नाम है इन्होंने रखा है वो क्या सही है? मतलब बिल्कुल सही है, उसमें आजकल ब्रांडिंग काम मुझे लगता है बहुत लोगों को आता है, लेकिन आप किस तरीके से अपने आप की ब्रांडिंग कर पाते हैं ये मैटर करता है। बिल्कुल मैम, देखो फिल्म सिटी में पत्रकार पोहा वाला आया तो पत्रकारों से भरा हुआ है, सब लोग रिलेट कर पाएगी, शायद हमारे लिए कुछ स्पेशल पोहा है, एडिटर पोहा और कौन कौन से वैरायटी थे, रिपोर्टर पोहा, हाँ ऐसा बहुत सारा आया था, तो थोड़े से कैची लगे नाम, और जाहिर सी बात है टीआरपी का जमाना है, इन्होंने नाम से टीआरपी बटोरा। मैं पहली बार आई हूँ अभी खाने। अच्छा, आप पहली बार आई है इसीलिए आपने इनसे पूछा है कि ऐसा? ऑफिस तो यही सामने है, मगर हाँ मौका नहीं मिल पाया था अब तक यहाँ से जाने। अच्छा, तो आपका नाम मैम? जोगी मिश्रा। मैम आप आती हैं ये ब्रॉडकास्टिंग में आप मैम? अच्छा, कौन से चैनल में आप काम कर रही हैं? टाइम्स नाउ अब भारत। ओके मैम, तो आपका टाइमिंग क्या है मैम शो का? अभी है 6:30। ओके, इसके बाद 7:30, उसके बाद रात में 11 बजे। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने देखा कि मैम का प्रतिक्रिया कितना अच्छा था, और इन्होंने जो नाम रखा है वो सबका अपना अपना ब्रांडिंग होता है, अपना अपना नाम होता है, तो ये देखिए इस तरीके से भैया ने काफी अच्छे तरीके से रखा है। यहाँ पे ये भी उन्होंने डाला है कि एडिटर स्पेशल पोहा 80 रुपए का है, रिपोर्टर स्पेशल पोहा 50 रुपए का है, और उसमें सोशल मीडिया स्टार स्पेशल पोहा 60 रुपए का है। तो इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सकते हैं कि क्या क्या भैया जिस तरीके से दे रहे हैं वो इसमें है पत्रकार
पोहा वाला जो इस फोटो वायरल हुआ था, तो इसमें देख सकते हैं ये पोहा है और इस एक जलेबी है साथ में और मिर्ची दे रहे हैं, तो काफ़ी शानदार है। हम इसको इसका इसको खा करके भी टेस्ट बताएंगे आपको कि कैसा है। तो मैं आपको ये खा करके बताता हूँ, काफ़ी शानदार है, मतलब ठीक है, हेल्दी है, और इन्होंने जो नाम रखा है उसके हिसाब से तो ठीक है भाई। अब पत्रकार से सीधा अगर हम पोहा वाला पे आएंगे तो जिस तरीके से पोहा बनेगा आपको भी पता है, बाकी अच्छा है, बढ़िया है पोहा एकदम। तो आप भी आइए, ट्राई कीजिए, ये नोएडा फिल्म सिटी में है, इंडिया ग्रुप के सामने आपको ये पोहा वाले भैया दिख जाएंगे, तो आकर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।